SBI, BOB, एक्सिस बैंक समेत इन छह बैंकों के ग्राहक ध्यान दें, बदल गए कुछ नियम। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा और सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IBI बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें ATM, चेकबुक और ब्रांच से कैश निकालने के शुल्क में बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं किस बैंक ने क्या बदलाव किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए आज से बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए ब्रांच और ATM से 4 बार कैश बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं। इसके बाद इस पर चार्ज वसूला जाएगा। 4 बार पैसे निकालने के बाद ट्रांजैक्शन पर आपको ₹15 और GST जोड़कर शुल्क देना होगा। चेकबुक सर्विस में बदलाव। SBI, BSBD अकाउंट होल्डर से 10 चेक लीफ पर कोई चार्ज नहीं वसूलता है, लेकिन 10 के बाद ₹40 प्लस GST चार्ज किया जाएगा। वहीं 25 चेक लीफ वाली चेकबुक पर ₹75 चार्ज किए जाएंगे। इमरजेंसी चेकबुक पर ₹50 और GST चार्ज देना होगा। सीमा से अधिक चेक लीफ का उपयोग करने पर शुल्क वसूला जाएगा। SBI ATM या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर ₹15 और GST का चार्ज लगाएगा। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक ग्राहकों के लिए, अगर आप सिंडिकेट बैंक से ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। कैनरा बैंक ने 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदल दिया है। दरअसल सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 में कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है। अब कैनरा बैंक 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक की ब्रांच IFSC कोड बदल देगा। ग्राहकों को अपने बैंक ब्रांच के लिए IFSC कोड लेना होगा। कैनरा बैंक की तरफ से कहा गया है कि सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद सिंडिकेट बैंक के ब्रांच का IFSC कोड को बदला गया है। कैनरा बैंक के मुताबिक सिंडिकेट बैंक के पुराने IFSC कोड में 10,000 जोड़े, जैसे अगर पुराना IFSC कोड SYNB 000 3687 था तो अब इसके स्थान पर नया IFSC कोड CNR B 001 3687 हो जाएगा। IDBI ग्राहकों के लिए IDBI चेकबुक के 20 लीफलेट फ्री देंगे। इसके बाद ₹5 प्रति चेक चार्ज होगा, लेकिन अगर आप IDBI सबका सेविंग अकाउंट रखते हैं तो ये चार्ज नहीं लगेगा। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के ग्राहकों के लिए कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है और इसी तरह दोनों बैंकों के ग्राहकों को लेटेस्ट सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक नई चेकबुक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। बैंक की ओर से नए IFSC कोड जारी कर दिए गए हैं। बैंक मर्जर के बाद ग्राहकों की कोड में बदलाव हो गया है। अभी तक बैंकों की ओर से छूट दी गई थी कि आप अपने पुराने कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद आपके पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। बता दें 2 साल पहले 2019 विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था, जिसके बाद इन कोड में बदलाव किया गया था। 30 जून के बाद देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहकों के कोड काम करना बंद कर दिया गया है। एक्सिस बैंक में SMS अलर्ट के लिए फीस। 1 जुलाई से 2021 से ग्राहकों को SMS अलर्ट के लिए प्रति SMS 25 पैसे का भुगतान अब करना पड़ रहा है। SMS अलर्ट फीस मैक्सिमम ₹25 प्रति माह रहेगी। हालांकि बैंक की ओर से भेजे जाने वाले प्रमोशनल मैसेज और OTP अलर्ट इस चार्ज में शामिल नहीं होंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।